हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? गाइस हम हैं फिलहाल रेलवे स्टेशन पे, गोंडा रेलवे स्टेशन। यहाँ रेलवे स्टेशन का नाम है गोंडा, गोंडा रेलवे स्टेशन। क्योंकि हम जा रहे हैं अपने बिहार। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? अपने नानी घर। कहाँ जा रहे हो? नानी घर। क्या कर रहे? पढ़ने और क्या कर रहे? हम अपने ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं स्टेशन पर बैठ के। हमारी ट्रेन जो है 6:20 पे थी, तो 20 मिनट डिले चल रही है, तो अभी आएगी 6:00। और अभी समय हो रहा है 6:30, तो अभी अभी और हमें 10 मिनट इंतजार करना पड़ेगा अपनी गाड़ी के लिए। तो गैस बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। गैस अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और गैस हमारी ट्रेन आ रही है, ये पीछे देख सकते हैं आप, वो पीछे आ रही है ट्रेन। पीछे होगा, पीछे B1 पीछे होगा। पीछे उसका पीछे होगा। गाइस जा रहा हूँ अपने बोगी में बैठने के लिए। बाहर का दृश्य, शाम हो गया है, 7 बज रहा है शाम का। गैस हम लोग खा रहे हैं अभी खाना, क्योंकि घर से जो है बहुत कम खा के आए थे, भूख लग गई थी। बहुत लंबा सफर हमारे बस का सफर था, बस का सफर तय करके जो है हमारे लिए ट्रेन पकड़ने के लिए, तो हमें जो है इस बीच में भूख ज़्यादा लग गई थी। तो हमें क्या, सभी को भूख लग गई थी, तो अभी जो है हम लोग खाना खा रहे हैं। देखिए सोनी खाना खा रही है, यहाँ से भूत बन के बैठा हुआ है, इसके ठंड लग रही है तो हमने इसको कम्बल उड़ा दिया है। भूत बना हुआ है, भूत शक्ल दिखाओ। और ऊपर जाओ, बंदर पेड़ पे चढ़ चुका है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग खाना वाना खा चुके हैं, और खाना वाना खाने के बाद अपने अपने बर्थ पर सो चुके हैं। कल सुबह नानी घर पहुँचेंगे। मेरे साथ ही सोया है, मुझे बहुत ठंडा है। ठंडा लग रहा है ना? बुखार है। तुमको तो बुखार भी है, दवाई तो खा लिया है तुम? बुखार ठीक नहीं हो रहा। बुखार ठीक नहीं हो रहा तो इस बार डॉक्टर के पास ले जाके 4 मिनट लगाएंगे। मुझे सुई नहीं अच्छा लगता, मुझे डर लगता है सुई से। अच्छा, बड़ा वाला सुई दिलाएंगे इस बार जो भैंस को लगता है। मैं भैंस हूँ क्या कि मुझे लगाया जा रहा है? भैंस नहीं, तुम पारा है। तो छोटा वाला उसे थोड़ा सा, तो उसे थोड़ा सा छोटा वाला इंजेक्शन दिलाएंगे तुमको। इतना
छोटा छोटा इतना छोटा इंजेक्शन नहीं होता है. इंजेक्शन नहीं, इंजेक्शन बोलते हैं. इंजेक्शन मुझे नहीं बोलना आता. सुई इतना छोटा सुई. तो गाइस हमारा स्टेशन पहुंचने के लिए 2:30 बजे का. तब तक हम जगह नहीं रखते हैं. नींद भी आ रही है बहुत. हम दिन में भी सोए नहीं और रात को भी हमें ये सोने नहीं दिया, क्योंकि रात को जो है इसको हो रखा था सर्दी जुकाम. इसका दोनों नाक जो है वो ब्लॉक हो रखा था. ये रात में बहुत चिल्ला रहा था और मुझे सोने नहीं दिया. मैं रात भर जो है इसका इलाज करते रहे घरेलू उपचार. बहुत ज्यादा हो गया. तो अभी जैसे मुझे मौका मिला रेस्ट करने के लिए मैं भी रेस्ट करूंगा. अभी और नहीं सोने देंगे. तो मिलते हैं जब हमारा स्टेशन पहुंचेगा. वहां का वीडियो हम आपको दिखाएंगे. गाइस हम पहुंच चुके हैं सिवान से. सिवान में और सिवान से थोड़ी गाड़ी खुल चुकी है और हमारा बोगी इतना ठंड हो चुका है. इसी टाइम के जो है बोगी का एसी जो है वो बंद करवाना पड़ गया. बंद करने से ठीक है क्योंकि कंबल प्रोवाइड हो नहीं रहा है और सभी यात्री जो है उनके पास ओढ़ने का कोई साधन नहीं है. इसीलिए कहा गया कि एसी को बंद किया जाए. आगे है उनका डब्बा. बोल रहा है कौन सा ट्रेन पकड़ना.
पर हम लोग स्टेशन के बाहर निकल कर सुबह होने का इंतज़ार करने लगे क्योंकि काफ़ी रात थी और इतनी रात अपने घर आना नहीं चाहते थे क्योंकि रास्ता हमें सुरक्षित नहीं लगा, इसलिए हमने सोचा कि सुबह होने का इंतज़ार करते हैं उसके बाद जाएंगे। तब तक सोनी बोली कि हमें चाय पिला दीजिए, तो हम उसको चाय पिलाने के लिए कैसा लग रहा है मटका चाय पी रही सोने अच्छा लग रहा है। मटका चाय बिहार में फेमस है, मटका चाय। सोनी को बोल दिया और एक मटका चाय लाने के लिए। कितना चाय पिएगी?